कि हम दोनों चीजें देख लेनी चाहिए, दो तरह के हैं। एक जो खातून कह रही हैं कि वो हर वक्त मौका ढूंढते हैं इल्जाम देने का, बहाना ढूंढते हैं लड़ने का, तो इसमें वो एक मारूफ पुराना सा एक लतीफा है छोटा सा, उस तरह के समझाने के लिए एग्जाम्पल आ जाएगी कि वो एक आदमी कहता था हर बात में कीड़े निकालता था, तो उसने बेगम से कहा मसलन के दो अंडे ला दो, ये उबला हुआ कर दो, ये फ्राई कर दो, सुना होगा आपने भी। तो उसने कहा कि एक अंडा फ्राई ला दो, एक उबला हुआ ला दो। जब वो लेके आई तो उसने उसे डांटा, कहते जिसे उबला हुआ बनाना था वो फ्राई कर दिया, फ्राई वाले को उबला हुआ कर दिया। एक तो ये है। दूसरा, कुछ ख्वातीन ऐसी हैं जिन्हें हर वक्त शिकवे करने की, हर वक्त कीड़े निकालने की आदत होती है। हस्बैंड सोने का भी बन के दिखा दे उन्हें वो कबूल नहीं है। तो ऐसा ही एक आदमी था, उसने सोचा आज बेगम को मैंने खुश करना ही करना है। वो जंगलों में चला गया, बियाबान में चला गया, बाबा जी मिले। उसने कहा क्या बात है, कहते हैं कि ऐसा तरीका बताएं कि मेरी बेगम जो है मुझसे खुश हो जाए। तो बाबा जी ने कहा कि तो मसला ही कोई नहीं, मैं तुम्हें हवा में उड़ना सिखा देता हूँ, ये किसी को भी नहीं आता। तो वो तो कमाल हो जाएगा तुम्हारा। उसने मिन्नतें की और सीख लिया, उड़ता हुआ अपने घर तक पहुंचा तो देखा खातून कपड़े वगैरह डाल रही थी। उसने देखा गैर मर्द है, पर्दा पुर्दा किया और नीचे आ गई। उसने नीचे आके नॉक किया दरवाजा, फिर बेगम ने दरवाजा खोला, कहती आ गए निकम्मे इंसान, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, लोग हवा में उड़ने लग गए और तू दोबारा खड़का रहा है। वो कहती है कि ये बड़े कमाल की बात है। उसने कहा वो मैं था। कहती अच्छा, मैं भी कहूं टेढ़ा टेढ़ा क्यों उड़ रहा है। तो दिस इज अनदर प्रॉब्लम। तो आपको दोनों को देख लेना चाहिए कि कुछ ख्वातीन भी ऐसी हैं जिनका काम सिर्फ और सिर्फ शिकवे करना, सिर्फ और सिर्फ कीड़े निकालना, बाहर क्यों गए हो, ये फोन किसका आया है, ये अमजद क्यों रोज रहता है तुम्हारे पास, ये फलाना कि एक ये। चलिए ये तो आपने ख्वातीन को पेल दिया कुछ इसके अंदर। नहीं बता रहा हूँ। और कुछ मर्द, मैंने पहले ये भी कहा, कुछ मर्द भी एग्जैक्टली ऐसे ही है, जैसे कि मैंने पहले अंडे की मिसाल दी, वो कहते आटा गूंथते हुए हिलती क्यों है तू बार बार। तो ये दोनों तरफ है, हमें देखना ये होगा कि ये यकदम रिश्ता यहाँ तक नहीं पहुंचता कि 18 साल के बाद यकदम क्यों हुआ, 18 साल तक बात पहुंचने क्यों दी गई। ना वो सिर्फ औरत का कसूर हो सकता है, ना वो सिर्फ मर्द का कसूर हो सकता है, दोनों का कसूर। ये दोनों की तरफ से बात यहां तक पहुंची है और एक आदमी से निपटा भी नहीं सकता, नहीं निपटा इन दोनों को मिलके ही निपटाना पड़ेगा इसे।